कांवड़ मेला नजदीक आ रहा है, लेकिन सड़कों पर लग रहे ऐसे घंटों जामों से प्रशासन के प्लान की पोल पट्टी खुल गई है। मेले में प्रशासन आखिर कैसे निपटेगा ऐसी स्थितियों में, और क्या यातायात पुलिस के पास जाम से निपटने के लिए कोई रणनीति है? सावन मेला नजदीक आ रहा है, ऐसे में हरिद्वार की पुलिस आखिर कैसे जाम से निपटेगी, जबकि अभी से ही लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जाम में शासन प्रशासन की कमी साफ देखी जा सकती है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान हमारी संवाददाता अर्चना ढिंगरा ने जाम में फंसे लोगों से बात की और जाम लगने से हो रही परेशानियों का जायजा लिया। इस समय हम खड़े हैं हरिद्वार के टोल प्लाजा पर, जहां पर आप देख सकते हैं हमने कई यात्रियों से भी बात की। बहुत अच्छा भाई, बहुत ट्रैफिक है दिल्ली भाई, दिल्ली घर वापस जा रहे भाई। दिल्ली और हरिद्वार में आपको ट्रैफिक में क्या नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा ट्रैफिक हरिद्वार में, बहुत ज्यादा ऋषिकेश में बहुत ट्रैफिक। मैडम ये टूल पे प्रशासन बिल्कुल खत्म होना चाहिए हमारे ख्याल से, तो दो तीन तीन घंटे डबल डबल टूल भरते हैं और दो दो चार चार घंटे यहाँ परेशान करते हैं, पता क्या दिक्कत है देखिए, निकाल लो जल्दी जल्दी, कभी बोलते हैं हमारा ये नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, अपनी घड़ा नहीं चल रहा, पूरा चल रहा, फिर निकाल लेना गाड़ियों का, फिर टूल लेट हो जाते हैं, चौबीस घंटे के डबल पैसे भरने पड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाम की स्थिति अभी भी वापसी जाते हुए भी बनी हुई है, यात्री काफी परेशान हो रहे हैं कि हम यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगी कि सारे यात्री जो दूर दराज से आए हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं, अत्यधिक परेशान हैं, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं अर्चना ढिंगरा, दखल न्यूज। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।